तो फाइनली दोस्तों मोस्ट वायरल एंड ट्रेंडिंग मूवी द केरला स्टोरी ने आज 19 दिन कंप्लीट करके 20वें दिन में एंट्री मार ली है और हर दिन एक नया इतिहास लिखते हुए आगे बढ़ रही है। साथ ही क्या रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है मान गए। दोस्तों मूवी को सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में खूब प्यार मिल रहा है। तो आज जानेंगे कि मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू मिल रहे हैं, मूवी इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है, सब जानेंगे उस कुछ देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी ऐसे रियल इंसिडेंट पर आधारित फिल्मों के डाई हार्ट फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सुजीत सेन के डायरेक्शन में लगभग 35 से 40 करोड़ के टोटल बजट में बनने वाली द केरला स्टोरी एक रियल एंड ब्रूटल इंसिडेंट पर आधारित फिल्म है जिसने अपने पहले दिन ही एक हिस्टोरिकल ओपनिंग ली थी। जी हाँ दोस्तों, अपने पहले दिन 8 करोड़ का बिग कलेक्शन अपने खाते में रखा था और दूसरे दिन 11 करोड़, तीसरे दिन 16 करोड़ और पहले 3 दिन में ही 35 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन अपने खाते में रख लिया था। इसी के साथ फिल्म ने बहुत कम समय में अपने पहले हफ्ते में ही 81 करोड़ 50 लाख से ऊपर का जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लिया था। दोस्तों इसी के साथ द केरला स्टोरी बॉलीवुड की फीमेल डोमिनेंट में बनने वाली टॉप 10 मूवी में अपना नाम जगह बना ली थी। साथ ही गंगूबाई काठियावाड़ी और वीरी दी वेडिंग जैसी फिल्मों को खदेड़कर नंबर 1 में अपना नाम दर्ज कर लिया था और अभी तक की मोस्ट लवेबल फिल्म बन चुकी है और आंकड़ा अभी भी स्लो डाउन नहीं हुआ था और अपने दूसरे हफ्ते में तो पहले हफ्ते से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हुए रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ करते नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, लगभग 90 करोड़ का कलेक्शन अपने सेकंड वीक से बटोरा और अपने थर्ड वीकेंड में लगभग 25 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन करके पठान जैसी जायंट मूवी का न सिर्फ टक्कर दिया बल्कि रिकॉर्ड भी तोड़ा और हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस फिल्म ने साबित कर दिया कि बॉक्स ऑफिस के मामले में यह अब किसी बाप से नहीं रुकने वाली। और जो भी मूवी को देखकर थिएटर से बाहर आ रहा है उसकी रूह कांप जा रही है क्योंकि ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट इज वेरी प्योर। बहुत सी जगह ऐसे ब्रूटल सीन्स भी हैं जो बड़े बड़े पर्दों पर अधिकतर फिल्टर करके दिखाए जाते हैं पर इस मूवी में आपको काफी रियलिटी देखने को मिलेगी इसलिए लोग इसे पसंद भी खूब कर रहे हैं। जहां दोस्तों अदा शर्मा के मेन लीड में बनने वाली द केरला स्टोरी कैरेक्टर्स रोल प्ले के मामले में एक नंबर चल रही है। यस, साथ ही सपोर्टिंग कास्ट में आपको सिद्धि इदरानी, योगिता बिहानी और सोनिया बलानी जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों अपने 17वें दिन में 199 करोड़ की कमाई करने वाली द केरला स्टोरी ने अपने 18वें दिन में लगभग 5.5 करोड़ का बिग कलेक्शन अपने खाते में रखा था। कल यानी 19वें दिन में 3 करोड़ 75 लाख का स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हुए फास्टैग जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी जबरदस्त टक्कर दे रही है उसके बावजूद। बात करें आज यानी डे 20 में कैसी ग्रोथ है तो यस, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी रेट शानदार होने के साथ और एडवांस में एक मोटी अच्छी कमाई खाते में रखने के साथ आफ्टरनून और इवनिंग में भी काफी अच्छे सोच अपने खाते में रखते हुए एंड ऑफ द डे शायद से शायद 3 करोड़ 50 लाख का बिग कलेक्शन अपने खाते में रख लेगी मूवी। इसी के साथ एंड ऑफ द डे लगभग 225 करोड़ का जायंट रिकॉर्ड आसानी से टच कर लेगी फिल्म और अपने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में और मणिरत्नम की PS2 का हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तोड़ते हुए आगे बढ़ेगी और इसी के साथ पठान के बाद इस साल की सेकंड बिगेस्ट ग्रॉसर मूवी साबित होते जा रही है। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आप लोगों ने भी द केरला स्टोरी फिल्म को देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? दूसरा, ये आप लोग बताएंगे कि द केरला स्टोरी की कहानी कितनी सच है कितनी नहीं और ये मूवी अब भला इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।